शेर क्लासिक खत्म होता है और दोस्तों हमेशा एक कंट्रोवर्सी को जन्म दे देता है हमेशा ऐसा होता ही है आपके कि क्लासिक भारत प्रो शो या मुंबई प्रो शो अगर ख़त्म होगा तो एक ना एक कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट होगी होगी एथलीट्स की प्लेसिंग को लेकर के और बहुत सारी बातों को लेकर के इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया कुछ कुछ मामलों में क्योंकि कुछ ऐसा हमने देखा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और शेरू क्लासिक के खत्म होने के बाद हम ये भी देखते हैं कि और एथलीट्स हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं बाहर जाकर के भी शोज में खेल के आ चुके हैं जैसे जापान प्रो में अभी खेला है यहाँ पर अफरोज़ खान ने और दूसरे सभी कंट्रीज में हमारे एथलीट्स ने खेला चीज़ें इस तरीके से हुई कि ना बहुत सारे एथलीट्स इस वक्त है कन्फ्यूजन की स्टेट में स्पेशली मेंस फिजिक वाले तो आज हम यही सारे अपडेट्स इस वाले वीडियो में ये सारी बातें करने वाले हैं अगर, अगर मैं शेरू क्लासिक पर थोड़ी सी बात करूँ पुरानी बातों को एक बार थोड़ा रिवाइंड करके आपको बताऊँ तो हमें पता है कि इस बार इन्होंने प्रेस को आने ही नहीं दिया और इस बात पर बहुत ज्यादा सवाल उठे शो को लेकर के और वहीं जब शोज में एथलीट्स प्लेस नहीं कर पाते जिस तरीके से उनको करना चाहिए तो उनके कोचिज को भी काफ़ी ज्यादा बुरा लग जाता है तो ऐसे में हम देखते हैं एक कोच करके आए इसमें कुलदीप सिंह और उन्होंने कई सारी बातें रखी इस शो के बारे में वहीं पर ही उनका रिप्लाई देने के लिए यहाँ पर मुकेश गहलोत आ गए तो उन्होंने यहाँ पर कई सारी अपनी बातें रखी तो ये कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है थोड़ा बहुत आज मैं इनके ऊपर बात करूँगा बिकॉज़ कई सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इन चीज़ों पर भी बात करूँ ऑल ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एड्रेस करके सही तरीके से बताना भी ज़रूरी होता है और मैं सही बताऊँ मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को सही या गलत करके नहीं कि एक पक्ष को लेकर के बल्कि मैं हर चीज़ को खोल के आपको बताने की कोशिश इसमें करूँगा अभी देखो यहाँ पर कुलदीप सिंह जो कई सारे एथलीट्स के कोच है जिनमें से कि एक एथलीट को वो कोचिंग देते हैं नाम है राहुल फिटनेस तो हमें मालूम है इस बार राहुल फिटनेस की अभी नौवीं प्लेसिंग आई थी वहीं अभी से कुछ महीनों पहले जो शेरू क्लासिक दिल्ली वाला था उसमें सेकंड प्लेसिंग पर ही आए थे तो उनके कोच हुए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट और कहते हैं शेरू क्लासिक के अंदर ये किस तरीके की जजिंग हो रही है उन्होंने जजिंग के ऊपर सवाल उठाया ये बोला कि प्रेस को मीडिया को आप कवर ही नहीं करने देते कोई कोई चीज़ें बिकॉज जब मीडिया कवरेज होती है तब जा करके कई सारे क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स सोशल मीडिया पे उठते हैं आफ्टर द कॉन्टेस्ट आपने मीडिया अलाउ नहीं किया ताकि कोई बात ही ना कर सके तो एक्चुअल में ये वाली बात तो देखो सही है कि इस बार शेरू क्लासिक में फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स इनको अलाउ ही नहीं किया गया कई सारे आप देख रहे हो बोल बोल के थक गए कि हमें कोई एच वीडियो हमारी फुटेज दे दो जो हमने पोजिंग करी थी सब लोग इस चीज से परेशान थे तो ये चीज इसीलिए हुई शायद एक क्रिटिसिज्म uh, है ये कि ये लोग नहीं चाहते थे कि शो के बाद कोई बातें बने और लोग जज करें उसके बाद में एक बार रिज़ल्ट आ गया तो उसके बाद में उन चीज़ों को हम नहीं चाहते कि आगे कोई फर्दर डिस्कशन हो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है तो कुलदीप सिंह ने इसके ऊपर बात करी इसके अलावा एक और ये बात करते हैं स्कोर कार्ड्स के ऊपर स्कोर कार्ड्स यहाँ पर शेरू क्लासिक में ये लोग दिखाते हैं इसके अंदर हम देखेंगे कि वही वाली बात है तीन का पहाड़ा पढ़ दिया तीन छः नौ उसके बाद बारह पंद्रह अट्ठारह और उन्होंने कंपेयर कराया इस स्कोर कार्ड को पिछले साल के मिस्टर ओलंपिया मेन मैंस uh, ओपन के स्कोर कार्ड से हार्डिश ओपन की जहाँ पर प्लेसिंग दिखाई गई सेवन और सिक्स और बताया कि वो होते हैं एक्चुअल स्कोर कार्ड जहाँ पर कि एक परफेक्ट स्कोरिंग नहीं दी जाती है लेकिन यहाँ पर तो एकदम परफेक्ट स्कोरिंग दी जाती है और दोस्तों देखो मैंने इन चीज़ों पे ना बहुत पहले से बात करनी शुरू कर दी थी जो लोग जानते हैं उनको पता है मैंने सबसे पहले इन चीज़ों पर एक तरह से बात करनी शुरू कर दी कि इतनी परफेक्ट स्कोरिंग आखिर दी क्यों जाती है इन सब प्रो शोज़ में जो कि टायर टू या टायर थ्री लेवल के प्रो शोज़ होते हैं तीन जजेस बैठते हैं और सबके सब वन मार्क्स देते हैं पहले एथलीट को उसके बाद दूसरे एथलीट को सबके सब टू मार्क्स देते हैं सब लोग इतनी परफेक्ट स्कोरिंग दे देते हैं इधर से उधर एक जज का भी ये नहीं होता आर्ग्यूमेंट कि मैं इस एथलीट को फर्स्ट पे नहीं बल्कि सेकंड पे रखना चाहूँगा और ये बात यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ठीक उठाई इस चीज़ के मैं फेवर में बिल्कुल जाऊँगा तीसरी चीज़ इनके एथलीट राहुल को इस बार जजेज़ ने डायरेक्टली नोवे प्लेस पर डाल दिया जजेज़ ने ये यहाँ पर एक रीज़न दिया कि राहुल के हाथ बहुत ज़्यादा बड़े थे अब देखो दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं कि मैंस फिजिक में साल जिस तरीके से स्टैंडर्ड्स बदले हैं ना जजिंग क्राइटेरिया इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि वो रेट ही बहुत ज़्यादा है और ऐसे में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आई के अंडर जितने भी शोज़ हो रहे हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री में जितने भी प्रो शोज हो रहे हैं लेट्स से मेंस फिज़िक के जितने भी शोज हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड ये स्टैंडर्ड सारे जजेस एक तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर कुछ स्टैंडर्ड बने हैं कहीं पर कुछ और ही स्टैंडर्ड चल रहे हैं अब मैं पर एक बात करना चाहता हूँ आपने देखा इस बार मिस्टर ओलंपिया लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी अगर आपने देखी हो आपको दिखाई दिया कितने सारे लोग थे एथलीट्स जो मेंस फिजिक में कंपीट कर रहे थे जिनके ग्ल्यूट्स दिखाई दे रहे थे उनके बोर्ड शॉट्स के अंदर मतलब आज से पहले हमने कब देखा है किसी मेंस फिजिक एथलीट के बोट शॉट्स पहने हुए और उसके अंदर उसके ग्लूट्स दिखाई दे रहे हो क्योंकि इस बार इन्होंने ही आई वालों ने रूल निकाल दिया कि बोट शॉट्स होंगे टाइट और घुटने से ऊपर तो इस बार सब लोग घुटने से ऊपर बोर्ड शॉर्ट्स पहन के आ गए टाइट टाइट पहन के आ गए इस वजह से मसल्स अंदर की दिख रही थी हुआ रूल चेंज उसके बाद इन्होंने मैंस फिज़िक की हाइट और वेट कैप सेट कर दी जो एक ज़रूरी चीज़ भी थी बिकॉज मैन फिजिक एथलीट्स बढ़ते ही जा रहे थे कोई स्टैंडर्ड नहीं था इस डिवीज़न का तो हर एक चीज़ गलत नहीं होती मैं अगेन यहाँ पर आपको बोला ना मैंने कि हर एक चीज़ यहाँ पर मैं नेगेटिवली नहीं बल्कि जिस तरीके से रखनी चाहिए वो वहाँ पर साइड ले करके रखूँगा तो उन्होंने ठीक किया कि कुछ हद तक ये एक रूल्स और स्टैंडर्ड सेट करें इस बार मेंस फिज़िक के लेकिन अचानक से बदलाव हमने देखा एकदम से वो देखने को मिला अब इन्होंने एक और यहाँ पर चेंज रख दिया टाइलर मैन ने कि मैं फिजिक वालों के हाथ पतले होने चाहिए क्योंकि अभी तक ऐसा था कि बड़े आर्म्स वाले भी एथलीट्स जैसे कि आंड्रे डी भी पांचवी प्लेसिंग लेकर आया करते थे मिस्टर ओलंपिया में लेकिन अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आंड्रे ड्यू की वही प्लेसिंग जो हमने देखी थी इस वाले ओलंपिया में जब वो फिफ्थ आए थे तो अब वो दोबारा से फिफ्थ आ जाए अब इसी एग्जाम्पल को हम जरा यहाँ पर उठा के फिट करते हैं अभी राहुल के साथ में जो हुआ नौवे नंबर पर जो उनको डाला गया जजिस ने क्लियरली बोला कि आपके आर्म्स बड़े थे आपकी बॉडी में सब चीज़ें परफेक्ट थी बस आपके आर्म्स इतने ज़्यादा बड़े थे कि हमने आपको इतना पीछे डाल दिया तो ये हो गया उनका रीजन आपने रूल बदल दिया राहुल फिटनेस तो पहले भी उसी आर्म्स के साथ में वैसे ही आए थे चार महीने पहले पर अभी एकदम प्लेसिंग में एक ड्रास्टिक ड्रॉप आया क्योंकि आपका मन बदल गया आपके क्राइटेरिया बदल गए उस एथलीट की गलती नहीं है अब ये प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है कि यहाँ पर इंडिया में ऐसा हुआ लेकिन अगर कोई एथलीट हमारा बाहर जाकर के दूसरी कंट्री में मैंस फिजिक खेल रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि सेम क्राइटेरियाज वहां पर भी फॉलो कर रहे होंगे वहां के जजेस इतने तेज जो बदलाव होता है हर जगह एक तरीके से वो लागू नहीं हो पाता है और जज़ज़ की रिक्वायरमेंट्स वैसे भी इस गेम में ऐसी ही रहती हैं कि कहीं किसी कंट्री में कुछ और रिक्वायरमेंट रहती है साइज़ की अलग डेफिनेशन अलग मेजरमेंट्स होते हैं कंडीशनिंग के अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं तो पहले से ही चीज़ें अलग अलग इतनी होती है इस गेम में ऊपर से आ जाए समझो कि नए रूल्स मैन फिज़िक में तो वो कितना टाइम लगेगा उन रूल्स को सेट होने में सारे जजिंग पैनल्स तक पहुंचने में और उसके बाद भी उनकी मर्जी है वो उन रूल्स को कितना फॉलो करते हैं कितना नहीं करते एक बार आपने मान लो डिसीजन दे दिया तो कौन आके पूछने वाला है पीछे से बात ये होती है इस गेम में क्योंकि एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट है तो आपकी मर्जी है रिजल्ट्स देने के टाइम पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ऐसे आकर के पूछने नहीं वाला कोई रीवेरीफाई नहीं करने वाला आपने दिया तो दिया क्यों सवाल खड़े करने के लिए कोई फेडरेशन का टॉप का मेंबर नहीं आएगा किसी जज से पूछने के आपने ऐसे रिजल्ट क्यों दे दिए एथलीट्स कर सकते हैं ऑडियंस कर सकती है सवाल और एथलीट्स चलेगा इस वजह से एक कन्फ्यूजन की भारी कन्फ्यूजन की स्टेट में कि हम लेकर कैसे आए अपनी बॉडी को हद से ज्यादा तेजी से आते हुए बदलाव इस तरीके की दिक्कतें पैदा कर रहे हैं अब अभी से हमने कुछ दिन पहले देखा राहुल फिटनेस भी फ्रस्ट्रेट होकर के ये एक स्टोरी डाल देते हैं इन्होंने लिखा कि सब चीज़ें कंडीशनिंग हार्डनेस ऑब्लिक पोजिंग लेग्स काफ सब चीजें ऑन पॉइंट थी फिर भी आर्म्स ज्यादा है मेरे और इसके नीचे लिखते हैं अब कितनी अच्छी फॉर्म और लाऊ पहले चेस्ट कम थी अब आर्म्स ज्यादा है नेक्स्ट टाइम कुछ और कम हो जाएगा मेरा तो इससे एथलीट एक फ्रस्ट्रेशन की स्टेट में जा रहा है जबकि बॉडी वो कितनी अच्छी लेकर आ रहा है मेरे हिसाब से अभी तक इंडियन मैं फिजिक एथलीट के इतिहास में सबसे अच्छी बॉडी ये है ये मैं क्लियर यहां पर बोल दूं मेरे हिसाब से ये बॉडी ओलंपिया में अभी इस वक्त टॉप एट में प्लेस हो सकती है पर यहां पर नाइन्थ नंबर दिया जा रहा है तो एथलीट क्या करे उसका कंफ्यूज होना लाजमी है यहीं पर ही मैं अगर अगले अपडेट में नहीं बल्कि मैं इसी में पूरा कंटिन्यू रख रहा हूँ वैसे अगला अपडेट है ये जैसे कि अभी हम जानते हैं अफरोज़ खान बाहर अभी कंपीट करने के लिए गए थे जापान प्रो में तो वो ये दावा कर रहे हैं इस वक्त के मेरी ये बेस्ट एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट फिजिक थी उस लेवल की हार्डनेस उस लेवल की कंडीशनिंग ड्राइनेस और किसी एथलीट पे नहीं थी उस लाइनअप में वो मसल्स उस तरीके से किसी की भी पॉप नहीं हो रही थी जो मेरी हो रही थी तो अफरोज़ का ये अपडेट आता है लेकिन उनको फर्स्ट कॉल आउट में नहीं लिया गया और उनके हिसाब से उनको लेना चाहिए था अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मुझे इतना पीछे डाल दिया अफरोज की अगर मैं प्लेसिंग की बात करूँ तो इनकी ये प्लेसिंग इस वक्त पे आपको दिखाई दे रही है मतलब कुछ है ही नहीं सिक्सटीनथ प्लेसिंग कहते हैं वैसे इसे लेकिन ये कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा कि जजिस को चाहिए क्या मेरी फिजिक्स से जब मैं इतना अच्छा आया हूँ तो मेरे को ऊपर आना चाहिए था तो सेम क्वेश्चनिंग इनकी भी है जजिस से चीज़ें ना हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहने वाली है इस गेम में क्योंकि ये मैंने बताया कि एक स्पोर्ट ही नहीं है यहाँ पर जजेज़ अपने क्राइटेरिया सेट करते हैं उसके बाद उनको बराबर धड़ाधड़ बदल देते हैं अब हाथ पतले करके लाओ अब बोर्ड्स शॉर्ट साइड मैन के लाओ अब, अब हाइट और वेट हम सेट करेंगे कभी कुछ कभी कुछ तो इसीलिए ये दिक्कतें हमेशा मैंने बोला कि शेरू क्लासिक खत्म हो या कोई भी कॉन्टेस्ट खत्म हो एक कॉन्ट्रोवर्सी बड़ी पक्की हो गई है अब तो होनी ही होनी है तो ये स्पोर्ट का ही ऐसा नेचर है और दोस्तों ये सब जो मैंने अभी आपको बातें बताई इनमें से कुछ बातें कुलदीप सिंह ने उठाई है इन्हीं में से अब इसके रिप्लाई में मुकेश गहलोत जो है वो अपना एक बात रखते हैं वो कहते हैं कि आपको अपने एथलीट्स को सही करना चाहिए फीडबैक लेना चाहिए जजेस से और एथलीट्स की कमियों पे काम करना चाहिए ना कि जजेस को क्रिटिसाइज तो यहाँ पर क्लियरली हमने देखा जो मुकेश गहलोत है वो फेवर ले रहे हैं जजेस का अब देखो उनका कहना भी गलत नहीं है कुछ हद तक मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में दोस्तों क्योंकि बॉडी बिल्डिंग क्या है फीडबैक गेम है आप कितना मर्जी हेट कर लो जजेस को मैं कभी आप ज्यादातर मेरी वीडियोस में देखोगे मैं जजेस को सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि नहीं समझ आता मुझे इनके डिसीजंस कभी भी पल पल बदलते हैं लेकिन एट द एंड आपको उन्हीं की बातों पे चलना पड़ेगा अगर इस गेम में आप कंपीट करते हो बतौर एथलीट ये बिटर ट्रूथ है तो मुकेश सिंह गहलोत ने बात बोली कि आपको फीडबैक लेना चाहिए और एथलीट्स की उन चीजों पर काम करना चाहिए बट जो चीज़ें हम देख रहे हैं गलत नहीं कह रहे कुलदीप सिंह ने बिल्कुल ठीक बोला कि चीज़ें इतनी तेज़ी से ये सब जो बदली है सेकंड से नौवे प्लेसिंग तक कैसे और कितना ज़्यादा जस्टिफाई कर देंगे जज इस चीज़ को कैसे कर सकते हो यार सात प्लेसिंग नीचे डालने को आप जस्टिफाई तो उनकी बात भी गलत नहीं है तो चीज़ें इस तरीके से हैं कि मैं यहाँ पर दोनों को ही पूरे तरीके से गलत नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ आप कोई पॉलिटिकली किसी को सपोर्ट कर रहा हो पीछे से जैसे ये दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं कि मुकेश सिंह जो फेडरेशन है उसके साथ में है इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी साइड ले रहे हैं वो भी हो सकता है भाई और कुलदीप सिंह जो बातें कर रहे हैं उनकी बातों में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे को ठीक लग रही है तो चीज़ें ऐसी हैं के कॉन्ट्रोवर्सी में मैं तो ख़ुद ही कोशिश करता हूँ कि ना पढूं लेकिन चीज़ें जब होती है ना एथलीट्स जब सफ़र करते हैं उनके कोचिज़ जब सफ़र करते हैं तो गुस्सा आना लाजमी है वो अपनी बात ज़रूर से उठाएँगे और सही चीज़ कर रहे हैं अब ऐसे में यही हो सकता है कि अभी ये जो एक ट्रांज़िशन आ रहा है बहुत तेज़ी से मेन्स फिज़ीक में ये टाइम लेगा अपना और धीरे धीरे करके ये चीज़ें क्लियर होंगी कि चाहिए क्या इंडियन मैन फिज़िक को या फिर ये शेरू क्लासिक इन चीज़ों को छोड़ दो फॉरेन कंट्री में अभी क्या चाहिए थोड़ा सा अभी टाइम बाद ही समझ आएगा क्योंकि जहाँ से आप फीडबैक ले रहे हो ना एक पर्टिकुलर जज से कि मुझे इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है बाहर आप किसी और जज से फीडबैक जाके ले लो वो आपको एक नई बात बता देगा तो ऐसे में कन्फ्यूजन हमेशा ही रहने वाली है मेन चीज़ यही है कि जो एथलीट्स अभी स्टेट्स में कम्पीट कर रहे हैं या कैनेडा में खेल रहे हैं वहाँ के प्रोटोकॉल्स उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहे हैं कि यहाँ के रिक्वायरमेंट जर्ज़ के हिसाब से क्या लेकर आनी चाहिए बॉडी किस तरीके से लेकर आनी चाहिए हमारे एथलीट्स कभी कहीं कम्पीट करने जाते हैं कभी कहीं कम्पीट करने जाते हैं जो उनको पास पड़ता है क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते हर कोई तो यहाँ पर जितने भी शोज हो रहे हैं सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं तो ये हमेशा इंडियन एथलीट्स के लिए मुश्किल रहता है किसी शो को जीतना या क्वालिफाई करना अभी ऐसा इंसान एक निकल के आने लग गया जैसे कि यहाँ पर राहुल फिटनेस जिनमें एक्चुअली में दम है हर एक तरीके से ये बहुत ही एक अच्छी फिज़िक दिखाते हैं गिफ्टेड फिज़िक भी आप इसको कह सकते हो इस फ़िज़िक को कायदे से ओलंपिया में सेलेक्ट होना चाहिए यह है टॉप एट वाली फिज़िक मैं अभी भी ये बात दोबारा बोलूंगा लेकिन वही है जजस प्रोटोकॉल्स को अगर आप क्रैक नहीं कर पाओगे सही जगह पर सही टाइम पर अगर आप नहीं खड़े हुए हो तो कितनी मर्जी अच्छी फिज़िक ले आओ उस फिज़िक में जजेज़ को कमी बता देनी है और ये भी सच है बिल्कुल कि हर एक रीजन में ना हर एक अलग देश में जजेज़ अपने ही एथलीट्स को फेवर ज़्यादा करते हैं जैसे कि दुबई के शोज़ या फिर कुवैत के शोज़ हो गए वहाँ पर अलग तरीके से एथलीट्स को फेवर मिलता है ये भी हमने कई बार देखा है तो इसलिए हमारे एथलीट्स जितने भी एशियन शोज़ में अलग अलग जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में वो और ज़्यादा घिरते जा रहे हैं इस चीज़ का अभी कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है शेरू का तो कुछ नहीं समझ आता वो लोग किसको कब जिता देंगे बट हमारे इंडियन एथलीट्स को अब खेलना तो पड़ेगा ही दूसरे देशों में जा कर के इंडिया के पास में जितने भी और नियर बाई शोज़ हो रहे हैं उसी से और क्लियरिटी आएगी अभी और कोई इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है इसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम अगले एथलीट की तो वो यहाँ पर नाम आता है अनिक घोष का अब घोष ने भी अभी हाल ही में कम्पीट किया और आप देख सकते हो चौथी प्लेसिंग उन्होंने शेरू में अचीव करी अब उनकी फिजिक भी एक अच्छी मासिव फिजिक है फिलहाल उनका ये कहना है कि वो कहीं कंपीट नहीं करने वाले अपने अपडेट के अंदर वो ये बताते हैं कि वो अब डायरेक्टली कुछ समय बाद ही कंपीट करेंगे और अच्छा खासा ऑफ सीजन लगाएंगे अब देखते हैं ऑफ सीजन की क्या डेफिनेशन है इनके लिए मतलब हर एक बॉडी बिल्डर हमारे इंडियन एथलीट्स के ना सीज़न थोड़े छोटे ही रहते हैं और कुछ महीनों के क्या कुछ दिनों के भी कई बार वो ऑफ सीजन हो जाते हैं तो वो कभी भी उतनी जान नहीं आ पाती जैसे बाहर के एथलीट्स के अंदर आ जाती है ना जान मतलब कोई भी चीज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं जिसका इम्पैक्ट एक तगड़ा पड़ता है तो अब देखते हैं ये कितना इम्पैक्ट डालते हैं इनकी फिज़ीक अच्छी है बैलेंस्ड है इनकी बैक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड बैक है कोई कमी नहीं है इनकी फ्रंट बॉडी भी अच्छी है और अभी और वो सही प्रपोर्शन्स होंगे शोल्डर्स के या ओवरऑल बॉडी का एक फ्लो जब और बेहतर होगा तो इनकी प्लेसिंग भी ऊपर जाएगी फिलहाल चौथी प्लेसिंग अगर लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी एक ठीक ठाक प्लेसिंग ये ले आएंगे। देखते हैं कितना और इम्प्रूवमेंट करते हैं और कहाँ कहाँ पर एक्जैक्टली इन्होंने जजेस से फीडबैक लिया है इम्प्रूवमेंट करने के लिए किन मसल्स को बड़ा करने के लिए लेकिन अभी इन्होंने बताया कि ये बढ़िया एकदम बल्किंग करेंगे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए मतलब वो ये ट्रेनिंग लगातार करते चले जाएंगे हैवी से हैवी देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं किस तरीके से जाता है इनका ऑफ सीजन अच्छी बात है एथलीट्स अब ऑफ सीजन के ऊपर बात करने लग गए हैं फाइनली हमारे इंडिया में ये नहीं कहते कि अगला शो मैं यहाँ पर कंपीट करूंगा अगला शो मैं एक महीने बाद खेलूंगा मेन है ये इंप्रूवमेंट के ऊपर अब बात करने लग गए हैं लोग ये चीज़ बहुत अब बदलती हुई सोच को एक दिखा रही है इसके बाद अगर बात करूँ तो नाम आता है मनोज पाटिल तो मनोज पाटिल ने बोल दिया कि वो अब ताइवान प्रो के अंदर कम्पीट करेंगे जो यही तीन दिसंबर को होने वाला है तो अब अट्ठाईस तारीख तो हो ही चुकी है लगा लो यहाँ से छः दिन और बचे हैं मनोज पाटिल खेलेंगे बाकी हमें लवप्रीत का तो पहले से ही पता है कि इनको जाना ही है ताइवान के अंदर खेलने के लिए दो इंडियन एथलीट्स हमें फिर से अब दिखाई देंगे देखते हैं किस तरीके से कम्पीट करते हैं ये लोग मनोज पाटिल ने भी बोला था कि उनकी फिजिक भी सही थी इस वाले शो में शेरू क्लासिक के अंदर में लेकिन वही है इसमें ये एट्थ पे आए थे अब ये देखना होगा कि ताइवान के अंदर किस प्लेसिंग पे आते हैं किस तरीके का वहाँ पर लाइनअप रहने वाला है वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे एथलीट्स को और क्लियर होंगी कि इंटरनेशनली जजेस क्या देख रहे हैं मेन्स फिज़िक एथलीट्स के अंदर में और कोई अभी बड़ा अपडेट नहीं है कोई होगा तो मैं आपको बताऊँगा किसी भी हमारे बड़े एथलीट को लेकर के और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के आपको अपडेट्स कम ही मिलेंगे अब बिकॉज कॉन्टेस्ट खत्म हो चुके हैं इस साल के सीजन के अब अगले साल दो के कॉन्टेस्ट सीधा वही आर्नोल्ड से ही शुरू होंगे इस दौरान देखता हूँ इंडियन बॉडी बिल्डिंग को मैं और कवर करने की कोशिश करूँगा बाकी अभी के लिए तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था अगले महीने से आएगा कंटेंट वही जो हम एक तरीके से अपना बनाने के लिए जाने जाते हैं जैसे कि ट्रेनिंग वीडियोस उसके अलावा बाकी और कई सारी वीडियोस जैसे कि टेस्टेर के ऊपर मैं पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा उसके अलावा मे भी एक बायोग्राफी आ जाए तो दो से तीन वीडियोज़ अगले महीने आएंगी जो आ, अलग तरीके की होंगी बाकी बीच बीच में अपडेट्स तो रहने ही वाले हैं अभी के लिए दोस्तों यही था पूरा का पूरा शेड्यूल अब मिलते हैं बस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टेट्यून गुड बाय शुक्रिया